हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में 4, 5। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, देखते हैं। कह रहा है फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ये कह रहा है इंस्पेक्शन मेथड के द्वारा। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, sin 2x है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो कैसे करेंगे ये देखिए, मान लीजिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब एंटी डेरिवेटिव मतलब अब आप इंस्पेक्शन मेथड के द्वारा कह रहे हैं। तो दोस्तों, आप इस पे विचार कीजिए, जो हमारा क्वेश्चन है sin 2x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका क्या होगा दोस्तों, कि हम क्या किए होंगे ये हमारा डेरिवेटिव प्राप्त हो। तो आपको पता है स्पेशली कि cos 2x का होता है, देखिए आप फार्मूले में क्या हमने कहा, फार्मूले में देखिए ये हमारा कुछ हुआ करता है ऐसे, और वहां पर हमें sin 2x दिया है। तो आप विचार कीजिए कि जो हमारा sin 2x है वहां पर वो किसका फार्मूला हो करता है, cos का होगा तभी ना जाएगा sin x में। तो यहाँ पर क्या हम करेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ cos 2x तभी ना होगा -2 sin 2x, तभी ना साइन में होगा, यहाँ पर साइन में, तो साइन में होगा, इंस्पेक्शन का ये मेथड है। तो अब -2 को हम इधर भेज देंगे, हमें तो sin 2x चाहिए, तो हम क्या करेंगे, sin 2x = -1/2। ये मेथड हुआ करता है दोस्तों, हमें जो दिया है उसका उल्टा देखेंगे कि क्या हमें करने पर ये प्राप्त हुआ है। तो हमें cos 2x का करने पर प्राप्त हुआ है, इजी, कितना इजी है। तो हमें क्या करेंगे, -2 sin 2x लिख लेंगे। अब जैसे ही इसे पक्षांतर करेंगे, sin 2x = क्या हो जाएगा, -1/2 डेरिवेटिव ऑफ cos 2x, ऐसा हो जाएगा कुछ, लिख लेंगे। अब -1 क्या आ जाएगा, अंदर चला जाएगा, यहाँ पर sin 2x = क्या लिखेंगे, -1/2 cos 2x, यही कुछ होगा। अब हमें तो sin 2x देखिए, ये तो हमें मिल गया है, ये तो हमारा क्वेश्चन में। अब इसकी इक्वल टू क्या आ रहा है, डेरिवेटिव ऑफ -1/2 cos 2x, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके आगे हमें कुछ करना नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, देयर फॉर द एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इज -1/2 cos 2x, यही क्या हो जाएगा, एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मतलब होता है क्या दोस्तों, समाकलन होता है, इंटीग्रेशन होता है, बट यहाँ पर बाय इंस्पेक्शन मेथड कह रहा है, तो हम यही मेथड फॉलो करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड क्या है, cos 3x। अब आप इस पर भी विचार कीजिए कि क्या करें कि इसका उल्टा क्या हो, ये क्या करने पर प्राप्त हुआ होगा। साइन का होता है ना, साइन का इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, ऐसा कुछ होता है। तो फार्मूले देखते हैं क्या होता है, देखिए यहाँ कॉस का साइन में गया है ना, देखिए, और यहाँ पर कॉस दिया है, तो इसका यहाँ पर जब साइन था तो कॉस का हुआ है, तो यहाँ पर बेसिकली है क्या होगा, सिंपल है कि साइन का होगा, साइन का डेरिवेटिव किए होंगे तभी हमें ये cos 3x प्राप्त हुआ होगा। तो चलिए करते हैं, क्या हो जाएगा, sin 3x = 3 cos 3x, कैसे, क्योंकि देखिए डेरिवेटिव करेंगे sin 3x का, sin 3x का क्या हो जाएगा, cos 3x हो जाएगा, into 3x का होगा, तो x का 1 हो जाएगा, तो 3 बचेगा, तो हम 3 cos 3x लिख लेंगे। आपको डेरिवेटिव करना पता है कैसे होता है, तो कोई बात नहीं। अब cos 3x = क्या लिखेंगे, ये 1/3 इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, 1/3 डेरिवेटिव ऑफ sin 3x, ऐसा कुछ हो जाएगा, 1/3 अंदर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, डेरिवेटिव ऑफ 1/3 sin 3x, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, 1/3 sin 3x आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x = 1/3 sin 3x, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब आप तो दो क्वेश्चन कर चुके हैं, देखिए कितना है, कुछ करना नहीं है। आप तो इसे अदर मेथड से भी लगा सकते हैं, बट दोस्तों आपको करना क्या है, इंस्पेक्शन एक मेथड होता है, इसलिए उसे हम फॉलो करें। अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो हमारा दिया है sin 2x = ये तो आपको पता है जो है इंटीग्रेशन में, कि जो आगे होता है नंबर ये नीचे आता है, बटे में हो जाता है, और sin 2x क्या होता है, आपको फॉर्मूला माइनस तो पता है, -cos 2x होता है ना, तो हम वही लिख देंगे, बट हमें इंस्पेक्शन मेथड फॉलो करना, तो कुछ इस तरह से करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, e^2x। अब आपको पता है e^x होता है, तो इसका किसी से मेथड से हम करें e^x ही प्राप्त होगा, बट 2 है तो आपको पता है कुछ अदर ही होगा। अब देखिए ध्यान से,
हम क्या करेंगे कि हमें e पावर 2x का e पावर 2x हमें प्राप्त होगा बाय इंस्पेक्शन मेथड से। क्या करें, किसका ही डेरिवेटिव होगा, किसका होगा दोस्तों, e पावर 2x का ही होगा, आपको पता है, क्योंकि इसका चेंज नहीं होता है, कॉस साइन है नहीं, टेन की चेंज हो जाएगा, तो e पावर 2x का ही लेंगे डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा 2 e पावर 2x। अब ऐसा हो, क्यों होगा 2, e पावर x रहता तो e पावर x ही होता है, बट यहाँ पर 2 है, 2x, तो x 1 हो जाएगा, लेकिन 2 इसके बगल में है, तो 2 आ जाएगा हमारा 2 e पावर 2x, ये डेरिवेटिव हुआ है। बट अब हमें बाई इंस्ट्रक्शन मेथड से फॉलो करना, तो ये हम नियम फॉलो करेंगे, तो e पावर 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 को जब इधर भेजेंगे RHS से NHS, तो क्या हो जाएगा 1/2 डेरिवेटिव ऑफ e पावर 2x, ऐसा हो जाएगा कुछ। अब हम 1/2 को अंदर लिख सकते हैं ना, 1/2 e पावर 2x लिख सकते हैं, तो हम क्या लिख लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है, बस डेरिवेटिव आपको आता है तो ये कर लेंगे बाय इंस्ट्रक्शन मेथड से। किस मेथड से दोस्तों, बाय इंस्पेक्शन। अब बोल रहे होंगे कि क्यों डेरिवेटिव बोल रहे हैं, यहाँ पर डेरिवेटिव से ही हमें इसका फॉर्म प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं प्राप्त होगा। अभी हम नेक्स्ट 6 क्वेश्चन नंबर से करेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है, हमें इंटीग्रेशन ये प्राप्त हो रहा है, बस किस मेथड से, इंस्पेक्शन मेथड से। अब देखिए तो क्या हो जाएगा हमारा एंटी डेरिवेटिव ऑफ e पावर 2x इज 1/2 e पावर 2x। अब इसे इंटीग्रेशन भी करेंगे, इंटीग्रेशन ही कर रहे हैं बट इंस्पेक्शन मेथड से कर रहे हैं, लेकिन आप रियल का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या होगा, ये पावर हमारा क्या हो जाएगा, बटे में चला जाएगा पावर, आपको पता है x का पावर बटे में चला जाता है, तो 1/2 लिख लेंगे e पावर 2x का, e पावर 2x से होता है तो e पावर 2x, तो वही हमारा आंसर आएगा ना, इंटीग्रेशन डायरेक्ट करने पर 1/2 e पावर 2x। हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड भी। तो दोस्तों देखिए कितना इजी है, इसमें कुछ करना है नहीं, अगर आपको आपको कहीं भी डाउट आए, आप किसी से बुक से भी पढ़ रहे हो, चाहे ऑडियो हो, किसी बुक से आप क्वेश्चन भेजिएगा, आपको हर क्वेश्चन का सलूशन मिलेगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू दोस्तों।